हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 19 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हर एक इंसान को, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? ठीक है, तो वो बना है कोलम, जो कि सिचुएटेड है केरला में। नाउ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, दैट ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था टू एजुकेट द रेजिडेंट्स ऑफ कोलम डिस्ट्रिक्ट अबाउट द बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे 10 साल से जो भी बड़ा है, ठीक है, उन सबको ये इनिशिएटिव इस चीज से रिलेटेड है कि उन सबको जो है, जो बेसिक्स हैं हमारे संविधान के, जो बेसिक चीजें हैं, उनसे फेमिलियर करवाना है। ठीक है, तो ये चीज जो है हो गई है कंप्लीट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोलम, केरला में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, गंगा सागर मेला ऑन मकर संक्रांति ऑर्गेनाइज्ड एट। एक मेले का नाम है, फेयर है, गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के दिन ये ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब देखिए इंडियन मैप में वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? बांग्लादेश के साथ आता है, जूट के लिए फेमस है ना, तो वेस्ट बंगाल में भी ऑन इट्स साउदर्न मोस्ट टिप। वेस्ट बंगाल के जो बिल्कुल साउथ वाला एरिया है, साउदर्न मोस्ट टिप है, जहाँ पे गंगा सागर आइलैंड है, तो गंगा सागर आइलैंड में गंगा सागर मेला जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, नाउ दिस फेयर इज द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया आफ्टर कुंभ फेयर और कुंभ मेला। कुंभ जो है बहुत बड़ा मेला, मतलब ऐसे है कि बहुत भीड़ होती है, ये वो है ना, तो कुंभ मेले के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेला है इंडिया में माना जाता है फेयर, वो है गंगा सागर मेला। याद रखना है, गंगा सागर मेला, गंगा सागर आइलैंड, वेस्ट बंगाल, मकर संक्रांति के दिन, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, आज का थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव की बात हो रही है कि ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, सो इनिशिएटिव का नाम है वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, ये इनिशिएटिव कहाँ पे जो है स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, इनिशिएट किया गया है, तो वो किया गया है न्यू दिल्ली में। अब ये है क्या? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका ये इनिशिएटिव है, इसको आप शॉर्ट में वुमनिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? इट सीक्स टू डिवॉल्व वुमन एंटरप्रेन्योरशिप टू अचीव जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जो महिलाएं हैं उनको भी समाज में आगे बढ़ने का मौका देना है, उनको भी व्यापार, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इन सब के लिए जो है आगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है ना, तो बस जेंडर इंक्लूसिव है कि हर एक जेंडर की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ऐसा नहीं आदमी तरक्की कर रहे हैं ना, महिलाएं पीछे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो बस उस पर बेस्ड है। एंड दिस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन 2019, 2019 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जा चुका है, राइट, बट अब इसी के ऊपर जो है अपडेट आई है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट, आगे चलते हैं, आज का फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे, आज का फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है तो हमें उसके बारे में पढ़ना है, दैट न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ OECD। OECD क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसके बारे में इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फुल फॉर्म है इसकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, तो वो बने हैं क्लेयर लॉम्बर्डेली, लॉम्बर्डेली है ना, ये है यूके ट्रेजरी एडवाइजर, यूके के ट्रेजरी एडवाइजर हैं, एंड शी इज़ अ फीमेल, शी हैज़ 20 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब इकोनॉमिक्स फील्ड में इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्लियर OECD न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, याद रखना है। अब थोड़ा सा OECD के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए फुल फॉर्म तो हमने जान ली, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे भी टॉपिक ऑफ द डे में मैं हर चीज़ डेली आपको कुछ ना कुछ नया करवाती हूँ, है ना। तो OECD इट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब इसमें हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे ब्लॉक्स जो मैं पढ़ाती हूँ ना उनको आप अलग से लिखा करें। ठीक है, सो OECD में मेंबर हैं टोटल 38 कंट्रीज। ठीक है,
इट वॉज फाउंडेड इन 1961 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उससे पहले एक्चुअल में 1948 में बन गया था, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम था OECC विच स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। बाद में इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है, यूरोपियन से अभी इकोनॉमिक ऑपरेशन पे आ गए। एंड इसका काम क्या है, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड लेवल पे व्यापार को देखना और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो दुनिया में, आर्थिक लेवल पे प्रोग्रेस हो उसका ध्यान रखना। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। अभी हमने पढ़ा कि इसके 38 कंट्रीज मेंबर हैं, तो क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो, जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। अगर है तो इंडिया ने इसको कौन से साल ज्वाइन किया है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग अभी तक इंडिया में हुई है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उनके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इज इंडिया द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यस नो एस करके, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पेज हो गया हमारा कंप्लीट एंड चार ही हमने पॉइंट्स पढ़े, बट चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट गंगा सागर मेला, वुमनिया इनिशिएटिव एंड न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ OECD। चलिए, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का फिफ्थ पॉइंट है, इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैव बीन इनॉग्रेटेड इन। इंडिया का पहला स्कूल किस पे बेस्ड है, जो कि लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, ये उसका नाम है, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, ये जो है कहाँ पे खुला है, इंडिया का पहला इस तरह का स्कूल है। अगरतला त्रिपुरा में खुला है। त्रिपुरा आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, कि वहाँ पे कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज़ वन ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट्स, है ना, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम, तो जब तक आपने बार बार नहीं देखेंगे आपको याद नहीं रहेंगी ये स्टेट्स, है ना। तो इंडिया का पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन जो है ये इनॉग्रेट किया गया है अगरतला त्रिपुरा में, किसके द्वारा, बाय त्रिपुरा CM एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष। तो ये ध्यान रखना है कि किसने इनॉग्रेशन किया है। त्रिपुरा के CM है मानिक साह, एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष है वो है सर्बनंदा सोनोवाल। तो इनके द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है। क्या काम है इसका, इट इज फैसिलिटेटेड इन कंडक्टिंग स्टडीज, रिसर्च, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। देखिए, लॉजिस्टिक्स है, वाटरवेज है, कम्युनिकेशन है, तो बस इन तीनों फील्ड्स पे स्टडी करनी है, फर्दर रिसर्च करनी है, अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवानी है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, यही इसका काम है। तो ये इसमें सिर्फ इतना ही बनता है कि इंडिया का पहला इस तरह का स्कूल कहाँ पे खुला है, अगरतला इंडिया में, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज का सिक्स्थ पॉइंट पढ़ते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अवार्ड्स की बात की गई है, 28th क्रिटिक्स चॉइस ऑनर्स अवार्ड कहाँ पे हुए हैं, USA में हुआ है ये ऑर्गेनाइज। नाउ ये अवार्ड्स USA में दिए गए हैं, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ विनर्स, जैसे बेस्ट एक्टर कौन रहा, बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही, बेस्ट सॉन्ग, ये सब करके, तो इसमें इंडियन फिल्म और इंडियन सॉन्ग को भी जो है अवार्ड मिला है, तो बस हमें वही पढ़ना है, ठीक है। बेस्ट पिक्चर कौन सी थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्ट्रेस ये आपने याद रखना है, ठीक है, केट ब्लेंशेट। बेस्ट डायरेक्टर डेनियल क्वान, डेनियल स्किनर्ट फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इनकी मूवी है। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म RRR। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू, ठीक है। तो इन दोनों को, और इनके डायरेक्टर हैं SS राजामौली, काफी जगह इनको जो है प्राइजेस या नॉमिनेशंस मिल चुके हैं, तो अब तक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आज का सेवेंथ पॉइंट पढ़ते हैं, बट आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का सेवेंथ पॉइंट है, सेकंड एडिशन ऑफ डॉट फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इन। ये एक फेस्टिवल है डॉट फेस्ट, इसका सेकंड एडिशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, उड़ीसा में। क्यों, कॉमेमोरेटिंग द FIH मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023। अभी जो होगा 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है उड़ीसा में, बस उसकी यादगार में, ठीक है। तो ऐसा आप देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। आगे चलते हैं, आज का एट्थ पॉइंट पढ़ते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि मोदी जी ने लाए थे, है ना, 2014-15 के करीब, तो बस उसी के ऊपर बेस्ड है। नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है,
तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी को। ये अनाउंस किसने किया है? अनाउंस बाय पीएम मोदी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोट बिजनेस। जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, व्यापार है, इसकी प्रमोशन के लिए। देखिए स्टार्टअप होता क्या है कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको बोल दिया स्टार्टअप, ठीक है। नाउ सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022, यानी पिछले ही साल 2022 से ही नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इस पेज पे भी हमने चार ही पॉइंट्स पढ़े। पहला पढ़ा हमने कि स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन कहाँ खुला है, अगरतला त्रिपुरा में। 28th क्रिटिक्स चॉइस ऑनर्स अवार्ड कहाँ दिए गए हैं, यूएसए में। वहाँ पे हमने लिस्ट पढ़ी कौन सा अवार्ड किसे मिला है। फिर डॉट फेस्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, उड़ीसा में। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अब आगे चलने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। तो कोई भी आपके डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, आप वहां पे पूछ सकते हैं। मैं प्राइसिंग डिटेल्स भी वहां पे शेयर कर दूंगी, राइट। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 9th पॉइंट है, मोर देन 40% ऑफ इंडियाज टोटल वेल्थ इज हेल्ड बाय जस्ट। इंडिया में जो टोटल धन है ना, टोटल पैसा है, उसका 40%, ठीक है, समझ रहे, 40% कितने लोगों के पास है, 1% ऑफ द कंट्रीज रिचेस्ट पीपल। यानी अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंडिया में जो टोटल धन है उसका 40% इंडिया के जो रिचेस्ट पीपल है, 1% है जो टोटल उनके पास है, ठीक है। इसी तरह से जो 50% बच गया, वैसे तो 60% बचता है, पर जो 50% रहा वो 3% लोगों के पास है, जो 3% लोग हैं, मतलब इंडिया के जो गरीब लोग हैं उनके पास टोटल कुल मिला के 10% धन्य। समझने की कोशिश कीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। नाउ ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है कि इंडिया का 40% टोटल धन जो है वो कंट्री के रिचेस्ट पीपल के पास है, ठीक है। आज का 10th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज की बात की गई है, वरुणा एक्सरसाइज। नेवल एक्सरसाइज है, एयर है, मिलिट्री है, कैसी एक्सरसाइज है आपको पता होना चाहिए। तो कई बार मैंने आपको बताया, पेज लीजिए, उसके तीन डिवीजन कीजिए, एक साइड नेवल एक्सरसाइजेज, एक साइड मिलिट्री, एक साइड एयरफोर्स एक्सरसाइजेज लिखिए। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है ये लिखिए। लोकेशन याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपको करंट अफेयर्स में मिलता रहता है और हर साल चेंज भी होता रहेगा कि कहाँ पे होती है। तो वरुणा एक्सरसाइज जो है, इट इज अ नेवल एक्सरसाइज, 21st एडिशन इस साल हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ स्टेट कौन बना है इंडिया में टू रीस्टोर ओपीएस। ओपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर करने वाली फोर्थ स्टेट बनी है हिमाचल प्रदेश। अब अगर ये फोर्थ है तो पहले तीन कौन कौन से हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। हिमाचल में कौन सी गवर्नमेंट बनी है? कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, न्यू सीएम बने हैं। गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन साथ साथ में हुए थे। गुजरात में बने हैं श्री भूपेंद्र पाटिल सीएम, जो कि बीजेपी के हैं, और हिमाचल में बने हैं कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज का 12th पॉइंट पढ़ते हैं। तो अब देखिए सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट से वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ हाईएस्ट रन गेटर इन ओडीआई क्रिकेट, वन डे इंटरनेशनल में फिफ्थ हाईएस्ट रन गेटर कौन, मतलब जिन्होंने हाईएस्ट रन बनाया वो कौन बना है? विराट कोहली। अब पांचवे ये बने हैं, तो पहले कौन है? सचिन तेंदुलकर, राइट। 13th पॉइंट आज का देखते हैं, फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022। सबसे पहले जो है, मतलब पहली बार ये अवार्ड जो है दिया गया है, जिसका नाम है फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022। किसे दिया गया है? के वेन्यू को दिया गया है, हु इज अ राइटर। ऑब्वियसली लिटरेरी अवार्ड किसी राइटर ऑथर को ही दिया जाएगा, है ना। क्यों दिया गया है? फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी ओ कथा। ओ जो है बड़ा साउदर्न, मतलब बड़ा सा नाम है ऐसे करके, तो ओ कथा ये ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अपनी लाइफ के बारे में अपने आप लिखना। बायोग्राफी क्या होती है? कि किसी की लाइफ के बारे में किसी और ने लिखा है, ठीक है। तो के वेन्यू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ओ कथा में। राइटर है, इनको पहला जो है फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 दिया गया है। प्रेजेंटेड एट, ये अवार्ड कहाँ दिया गया? 6th केरला लिटरेचर फेस्टिवल में, ठीक है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आज का 14th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे एक टूर्नामेंट की बात की गई है, द योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। ये जो है टूर्नामेंट है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023, ये टूर्नामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पे? एडी जाधव इंडोर हॉल, के डी जाधव इंडोर हॉल। के डी जाधव से आपको कुछ याद आ रहा है?
कि गूगल ने सेलिब्रेट की थी 97th बर्थ एनिवर्सरी केडी जाधव की, जो कि इंडियन रेसलर हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स लाया था इंडिया के लिए, है ना। ये सब हेलसिंकी में जो हुआ था समर ओलंपिक्स, अगर आपको याद हो 15 जनवरी को गूगल का जो वो सिंबल था होता ना जिसपे जी लिखा होता है वो चेंज किया था, अगर आपने पुराने करंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़े आपको ध्यान में होगा। चलिए आज का लास्ट करंट अफेयर एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। आज हमें सिर्फ 15 ही पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। सो 15 पॉइंट है दैट हु वॉन द बिड फॉर द मीडिया राइट्स फॉर द वुमेन्स आईपीएल। वुमेन आईपीएल के लिए मीडिया राइट्स पूरे के पूरे खरीद लिए हैं किसने, कौन जीता है बिड, मतलब जो बोली लगाते हैं ना वो। वायकॉम 18 जीता है, मीडिया राइट्स इसको मिल गए हैं वुमेन्स आईपीएल के अगले 5 साल के लिए, टोटल 951 करोड़ रुपयों में, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे थे तो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं, प्लस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।